सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इंस्पिरेशन आर्ट्स। मेरा नाम है सौरभ साह और आज मैं आपको बताऊंगा आप कैसे बना सकते हैं ये ब्यूटीफुल पेंटिंग इन वाटर कलर इन जस्ट फ्यू स्टेप्स। सो लेट्स बिगिन। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले अगर आप इसे किसी कॉम्पिटिशन के लिए बना रहे हैं तो आपको इसे जल्दी और अच्छा बनाना होगा, इसीलिए मैंने आपके लिए ये सिंपल स्टेप्स डिज़ाइन किया है ताकि आप इसे बहुत ही आसानी से जल्दी और बहुत ही अच्छा बना पाए। तो सबसे पहला स्टेप, पहले स्टेप में आपको अपने ड्राइंग के लिए टॉप राइट कॉर्नर में अपनी जगह को प्लेस करना पड़ेगा और अपनी ड्राइंग के लिए मार्किंग्स डालनी पड़ेगी कि अपनी ड्राइंग कितनी बड़ी या छोटी होगी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने कुछ मार्किंग्स करके रखी है यहाँ पर। तो ये मार्किंग्स ड्राइंग के सिर से लेके उसके चिन तक आ रही है, उसके नीचे उसके कॉलर और उसका हैट की साइड कौन सी पोजीशन होगी ये भी बता रही है। ये आप ड्राइंग को देख के समझ के उसकी विड्थ को नाप के एक बार अंदाजे से लगा के लिखे। उसके बाद ये ड्राइंग टॉप राइट कॉर्नर में प्लेस करना सबसे अच्छा क्यों है, क्योंकि टॉप राइट कॉर्नर में लोगों का ध्यान सबसे पहले जाता है। तो इसके बाद आता है हमारा सेकेंड स्टेप, स्टेप टू। स्टेप टू में आप ब्लॉकी फॉर्म्स बनाएंगे। ब्लॉकी फॉर्म्स इसलिए ताकि आपको एक अंदाज़ा मिल जाए कि ड्राइंग की शेप कैसी होगी और आपको पता चल जाए कि जो मार्किंग्स आपने ली थी वो सही है कि नहीं। तो इस ब्लॉकी फॉर्म में आपका सबसे मेन कैरेक्टर है आपका चिन लाइन। तो ये बस हल्का सा एक कर्व है जो कि एक हल्का सा एंगल में है। तो ये एंगल बनाने के बाद आपका पहला स्टेप होगा कि इसको आप हाफ में डिवाइड कीजिए नोज़ लाइन के लिए। नोज़ लाइन के ऊपर आप चश्मे के लिए एक एंगल बनाइए ताकि दो एंगल्स बनाइए ताकि आपको चश्मे का जो मेन फ्रेम है उसको प्लेस करने के लिए पोजीशन मिल जाए। उसके नीचे जो हाफ लाइन आपने बनाया था उसके नीचे आप इक्वली मेजर करके चार लाइंस बना लीजिए ताकि आप बाकी फीचर्स प्लेस कर पाए। तो पहला जो हाफ से लेके सेकेंड हाफ तक जो लाइन जा रहे हैं वहाँ पर आप अपने कास्ट शैडो को प्लेस करेंगे, उसके नीचे अपनी लिप्स और अपने चिन को प्लेस करेंगे। तो स्टेप टू में यही था और मेन चीज़ है स्टेप टू का, क्योंकि यही आपको अपने फेस की लाइकनेस को लाने में सबसे ज़्यादा मदद करेगी। तो इसके बाद आता है स्टेप थ्री। तो आपको इस स्टेप में अपने फीचर्स को रफली अपने जो गाइडलाइंस थे उसके ऊपर बिठा देना है। आपको बस बेसिक शेप्स बना के उन फीचर्स को रफली बिठाना है ताकि आप देख पाए कि आपका पोर्ट्रेट क्या जो पिक्चर है उसके साथ मैच कर रहा है कि नहीं। अगर आप देख रहे हैं कि आपकी पोर्ट्रेट हल्की फुल्की जो पोर्ट्रेट है उसके साथ मैच कर रही है तो फिर आप कंटिन्यू कीजिए, नहीं तो आप फिर से इसी पोर्ट्रेट को एक बार मिटा के अपने प्रोपोर्शंस को चेक करके ये देखिए कि आपकी लाइकनेस में क्या प्रॉब्लम आ रही थी और उसे ठीक कीजिए। ये स्टेप आप बहुत जल्दी कर लेंगे, ये तीन स्टेप आपका 2 से 3 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। तो आप जल्दी से जल्दी देख सकते हैं कि आपकी पेंटिंग क्या पहले इस पोर्ट्रेट जैसी लग रही है कि नहीं। अगर लग रही है तो आप कंटिन्यू कीजिए, डिटेल्स बनाइए, नहीं तो आप फिर से इसको ठीक कर सकते हैं। पहले ही डिटेल्स पे मत भागिए। तो इसके बाद आता है स्टेप फोर। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग स्टेप हो सकता है, उतना भी नहीं। इस पे आप अपनी सारी गाइडलाइंस को हल्के से मिटाइए और उसके ऊपर अपने अच्छे से ऑर्गेनिक फॉर्म्स बना के अपने पोर्ट्रेट को एक जान लाइए, उसमें एक जान लाइए, यानी कि पोर्ट्रेट को अच्छे से शेप्स यूज़ करके उसको डिटेलली आप पेंसिल से बनाएंगे। लेकिन इसमें भी सारे डिटेल्स नहीं बनाने, क्योंकि आपको जो कॉन्टूर लाना है वो तो आपको वाटर कलर या पेंसिल शेडिंग से ही लाना है। तो ये क्योंकि कंप्लीशन के लिए हम बना रहे हैं तो हम इसे वाटर कलर में बनाएंगे। तो इसके बाद जो स्टेप फाइव है, स्टेप फाइव जो कि है कॉन्टूर लाइंस। तो कॉन्टूर लाइंस ये मैंने आपको बताने के लिए बनाई है कि कहाँ पर डार्क एरियाज है। ये कोई कंपल्सरी स्टेप नहीं है, क्योंकि अगर आप इसे किसी कंपटीशन के लिए बना रहे हैं और आप
वाटर कलर इसे बना रहे हैं, तो आप इसे बना तो सकते हैं कॉन्टूर लाइंस को, लेकिन वो अगर आप अच्छे से ना करें तो लाइंस दिखाई देंगी आपकी जो वाटर कलर पेंटिंग है। तो ये बस मैंने आपको समझाने के लिए बनाया। तो इसके बाद हम इसे रखेंगे यहीं पर फेस को, और इसके बाद हम बनाएंगे अपने जो सोल्जर्स है जो फ्लैग को उठा रहे उस स्टेप को। तो इसके बाद आता है स्टेप 6। तो आपका सारा डिफिकल्ट काम तो अभी हो चुका है पोर्ट्रेट बनाना। तो इसके बाद आपको जल्दी से एक एंगुलर लाइन बनानी है अपनी जो फ्लैग की एंगल के लिए। तो उसके बाद जो आपने लाइन बनाया उसी के अकॉर्डिंग आप कुछ स्टिक फिगर्स बना लीजिए अपने शोल्डर्स के पोजीशन और उनके जेस्चर को समझने के लिए। ये लाइंस इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपके जो शोल्डर्स है वो कौन सा एक्शन कर रहे हैं और कौन से पोजीशन में वो खड़े या कुछ कर रहे हैं। तो ये स्टिक फिगर्स बनाना काफ़ी आसान है जैसा आपको दिख रहा होगा। उसके बाद आता है स्टेप 7। ये भी काफ़ी सिंपल स्टेप है। इसमें आप बस जो स्टिक फिगर्स आपने बनाए उसके ऊपर सोल्जर्स का पूरा पोजीशन और फॉर्म बना लेना है। इसके लिए आप बस उन स्टिक फिगर्स के ऊपर कुछ शेप्स बना दीजिए, सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल फॉर द हेड और सिलेंड्रिकल फॉर द बॉडी एंड हैंड्स। ये उतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही सिंपल है, आप इसे बस बना लीजिए। और ये कहना चाहूँगा कि आप देख रहे होंगे कि मेरे ड्राइंग में कॉन्टूर लाइंस है, लेकिन आप इसे मत बनाइएगा, मैंने इसे बस डार्क एरियाज को बताने के लिए बनाया। तो इसके बाद आता है सबसे फन पार्ट जो कि है वाटर कलर्स। तो इसके बाद मैं डेमोन्स्ट्रेट करूँगा आपको इस वीडियो में कि आप कैसे इस ड्राइंग को अच्छा बना सकते हैं और पूरा कलर से भर के बहुत ही सुंदर बना सकते हैं। तो चलिए बिगिन करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैंने अपने बेस ड्राइंग को पेंसिल से काफ़ी लाइटली बना लिया है। मैंने ज़्यादा डिटेल्स नहीं बनाए जो कि मैं बाद में बनाऊंगा, लेकिन पहले मैंने बस बेसिक फॉर्म्स दिए ताकि ज़्यादा लाइंस ना दिखाई दे। तो अभी हमारा फोकस है वाटर कलर पे। तो सबसे पहले वाटर कलर के लिए हम अपने पेज को पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट वाटर से ढक लेंगे। ट्रांसपेरेंट वाटर से ढकने का रीज़न ये है कि हमारा जो बैकग्राउंड हो वो काफ़ी स्मूथ और एक ग्रेडियंस में है। हालांकि हम उसमें बाद में क्लाउड्स डालेंगे वो सेकेंड और थर्ड लेयर्स में, लेकिन पहले एक बेस बैकग्राउंड जो हमारे पास होगा वो काफ़ी अच्छा और स्मूथ दिखेगा ताकि एक हमें अच्छा बेस मिल जाए। तो उसके बाद जैसे ही हमने अपना पानी पूरी पेपर पे अच्छे से स्प्रेड कर लिया, उसके बाद हमारा काम आता है कलर्स का। तो सबसे पहले मैं यूज़ कर रहा हूँ गैम्बोज ह्यू जो कि है येल्लो। मैं यूज़ कर रहा हूँ आर्टिस्ट वाटर कलर, और कलर्स के सारे नाम आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। और मैं सबसे पहले येलो कलर को लेके उसको सेंटर पे स्प्रेड कर रहा हूँ शोल्डर्स के ठीक पीछे, ताकि हम जब उसको बाद में पेंट करें वो काफ़ी हाईलाइट होके आए, और वही मेन फोकस है। मेन फोकस एक्चुअली शोल्डर्स और सुभाष चंद्र बोस का फेस दोनों रहेगा। तो उसके बाद हम एक अच्छा और ब्राइट कलर का रेड ले और उसके बैकग्राउंड पे उसको पूरा कवर ना करें, बस उसके ऊपर ऊपर हल्के से हम उसको स्प्रेड करते रहे। येलो और रेड को मिला के हम हल्का ऑरेंजिश फील लाएंगे ताकि ये एक रिपब्लिक डे फ्लैग का जो फील आए वो हमें बैकग्राउंड में भी मिले। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि बैकग्राउंड को हम 3 लेयर्स में पेंट करेंगे, क्योंकि जो हम जब पेंट कर रहे होंगे तब हमारा बैकग्राउंड बहुत ही ब्राइट दिखेगा, लेकिन कुछ समय के बाद वो काफ़ी डल हो जाएगा, और किसी भी कॉन्टेस्ट में डल पेंटिंग कभी नहीं काम आती। तो हमारा काम है कि हम उसे ब्राइट बनाएं। तो सेकंड लेयर में हम उसमें कुछ ऑरेंजिश और थोड़ा सा ऑरेंजिश फील लाएंगे कि सारा ऑरेंज बहुत ज़्यादा डल हो जाएगा। ऑरेंजिस फील लाएंगे, कुछ क्लाउड्स बनाएंगे उसमें ऑरेंज से, और लास्ट लेयर में हम उसमें थोड़ा सा डार्क नाइट फील देंगे ताकि वो कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा दिखे।
तो अपना बेस और सेकेंड लेयर ऑफ स्काई बनाने के बाद अब हम अपने फेस पे चलते, क्योंकि हम थर्ड लेयर डायरेक्ट नहीं दे रहे, क्योंकि पहले अपने स्काई को थोड़ा सा ड्राई होने दीजिए, उसके बाद हम उसमें थर्ड लेयर अच्छे से डाल पाएंगे। और अभी आपको उसमें स्काई बहुत ही ज़्यादा रफ़ दिख रहा होगा, बहुत ही उतना अच्छा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जब हम अपना जो टेप है उसको हटाएंगे और थर्ड लेयर डालेंगे उसके बाद काफ़ी अच्छा दिखेगा। तो ये जो मिस्टेक्स हमें दिख रहे हैं वाटर कलर के, यही हमारे स्काई को डायनामिक बनाएंगे। और अपने फेस पे हम बहुत ही सिंपल और बहुत ही ब्राइट कलर्स करेंगे ताकि वो भी स्टैंड आउट हो और अच्छा दिखे। तो सबसे पहले हम उस पर एक बेस लेयर डाल देंगे, एक बेस लेयर ऐसे कलर का जो कि पूरे फेस पे होगा ही होगा, और उसके बाद बाकी सारे कलर्स आएंगे। हम इसमें बस 3 स्टेप में पूरा फेस बना डालेंगे, ज़्यादा कलर्स भी नहीं यूज़ करने, ज़्यादा डिटेल्स भी नहीं देने। जितने ज़्यादा डिटेल्स देंगे उतना आपका टाइम वेस्ट होगा और वो ख़राब होने का भी चांस होगा आपके पास। तो बेस लेयर में हम बस थोड़ा सा येल्लो में ब्रंट सियाना का बस हल्का सा मिक्स करके हम उसको यूज़ करें, ताकि येलो की जो ब्राइटनेस है वो हल्की कम हो जाए, ताकि वो स्किन के कलर जैसा थोड़ा थोड़ा दिखने लगे। हालांकि ये स्किन के कलर जैसा है नहीं, लेकिन थोड़ा सा वो स्किन के कलर जैसा दिखने लगे, इसलिए हमने ये वाला यूज़ किया। तो ये बेस लेयर कंप्लीट होने के बाद मैंने अपने ड्राइंग में थोड़ा सा जो हल्का फुल्का डिटेल्स थे वो मैंने पेंसिल से डाल दिए। ये आप कर सकते हैं या तो आप पहले भी उसे पेंसिल से कंप्लीट करके रख सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा सेकंड स्टेप ऑफ फेस पेंटिंग। तो फेस में हमें इसके बाद डालना है अपना जो शेडोज़ का लेयर है। तो ये शेडोज़ का जो बेस लेयर है, इस पे आप बस ब्रंट सियाना का सबसे ज़्यादा यूज़ करें, कि बहुत ही ब्राइट कलर है, ब्राइट टाइप का ब्राउन है। बाकी ब्राउन्स काफ़ी डल लगते होंगे, लेकिन ये काफ़ी ब्राइट ब्राउन है और इसके साथ काफ़ी अच्छा लगेगा। थोड़ा सा आप इसमें ऑकर येलो मिक्स करें, ताकि इसका जो रेडनेस है वो थोड़ा सा कम हो जाए, और आप जो भी अपने शेडो पार्ट्स है जो कि मैंने कॉन्टूर में आपको दिखाए थे, उसमें आप इसे अच्छे से थोड़ा सा ध्यान दे के सावधानी से डाल दीजिए, ताकि आपका जो फेस है उसका एक मेन पार्ट हो जाए। इसके बाद आपको अपना फेस काफ़ी अच्छा दिखने लगेगा, बस वो मतलब कुछ डिफरेंट कलर्स में होंगे, लेकिन अच्छा दिखने लगेगा। तो इसके बाद हम अपने स्काई के थर्ड लेयर को भी पेंट कर सकते हैं। उसके बाद हम फेस में मेन डिटेल कर देंगे और लास्ट ग्लेजिंग लेयर डाल देंगे। तो हमारे फेस के सेकंड लेयर के कंप्लीट होने के बाद अब बारी आती है स्काई के थर्ड लेयर की। स्काई के थर्ड लेयर में हम बस इसे एक डार्क नाइट का अपीयरेंस देंगे। तो उसके लिए हमने ब्लू और रेड को मिक्स करके एक बहुत ही प्लीजिंग सा वायलेट कलर बनाया, जो कि बहुत डार्क भी हो, ताकि हमें अच्छा नाइट का फील आए। तो उसको मैंने अपने जो स्काई है जो कि ड्राई हो चुका है उसके ऊपर अप्लाई करना स्टार्ट किया। इसको करते वक्त आपको ये ध्यान नहीं रखना कि ये स्मूथ हो, कि अच्छे से फैले, बस इसका शेप का ध्यान रखिएगा, हर जगह मत फैलाइएगा, और थोड़े से ब्रश के स्ट्रोक्स दिखने दीजिएगा। वो स्टार्टिंग में दिखने में थोड़े से गंदे लग सकते हैं या फिर थोड़े से डिस्टर्बिंग लग सकते हैं, लेकिन इस स्टेज पे इसे ऐसा लगने दीजिए कि फाइनल में ये बहुत अच्छी दिखेगी। तो जितने आप स्ट्रोक्स रखेंगे आपका स्काई उतना डायनामिक दिखेगा, और अपने पेंटिंग में वो फील आएगा कि कुछ हो रहा है यहाँ पर, कुछ मतलब जो फिल्म पोस्टर्स में आप देखते होंगे कोई एक फील आता है, कोई बैकग्राउंड को देख के उसी टाइप का फील आएगा। तो ये स्टेप करने के बाद जब भी ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए, हल्का ड्राई हो जाए, पूरा ड्राई नहीं, क्योंकि पूरा ड्राई होने से वो फील नहीं आएगा, उस पर आप कोई भी पुराना ब्रश लीजिए, उसको वाइट एक्रेलिक पेंट में डुबाइए और उससे स्टार्स बना दीजिए। तो ये क्या करेगा, आपकी जो स्काई है उसमें नया जान डाल देगा, और करने के बाद आप देखिएगा एक अलग ही फील आ जाएगा आपके स्काई में। तो इससे पूरा सब कुछ डिटेल्ड दिखने लगेगा कि आपने बहुत मेहनत की है, जो कि उतनी मेहनत लगी नहीं जितना वो अच्छा दिखेगा बाद में।
तो ये स्टेप कंटिन्यू करते रहिए जब तक स्काई बन जाए। उसके बाद हमारा आता है फेस पे, फेस पे इसके बाद हम अपना थर्ड और ग्लेजिंग लेयर देंगे ताकि फेस अच्छे से बन जाए। तो अब बारी आती है फेस के आखिरी और ग्लेजिंग लेयर की। इस लेयर को हम ग्लेजिंग लेयर कहते हैं क्योंकि इसके बाद फेस की जो एक फील है कि वो एक इंसान है वो अच्छे से आ जाती है, और ये आखिरी स्टेप है। तो इस स्टेप में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, ज़्यादा डिटेल्स नहीं करने, डिटेल्स करने हल्के फुल्के। आप बस जो आपने ब्रंट सियाना मिक्स किया था उसमें थोड़ा सा रेड मिलाइए, उसमें हल्का सा ग्रीन मिलाइए ताकि वो हल्का डार्क कलर बन जाए जो कि ब्लैक जैसा दिखने लगे। उस ब्लैक कलर को आप अपने हेयर, अपने जो चश्मे का फ्रेम है उसके ऊपर, जो अपने डार्क एरिया से जैसे कि लिप्स के कुछ डार्क एरियाज और आइज पे आप उसको अप्लाई करने लगिए। उसको ज़्यादा पूरे फेस पे फैलाएगा मत, क्योंकि जितना आप डार्क कलर उस पर फैलाएंगे आपका जो आर्ट है वो उतना ब्राइट नहीं रहेगा। तो आप कोशिश कीजिए कि कम से कम उसका यूज़ करें, लेकिन मेन जगह पर डार्क ज़रूर डालेगा, क्योंकि अगर आपने बस पूरी ड्राइंग लाइट रख दी तो भी उतना कुछ जो अपील नहीं करेगा, अपने आर्ट से उतना अपील नहीं करेगा। तो आप इसका यूज़ अच्छे से करें, क्योंकि ये यूज़ करने के बाद आपकी ड्राइंग काफ़ी अच्छी लगने लगेगी। तो इसके बाद आता है अपना क्लॉथ, जो नेताजी ने पहना हुआ है उनकी टोपी और उनका जो वर्दी है वो। तो ये हम ज़्यादातर देखते हैं ग्रीन कलर का होता है, तो हम भी उसी टाइप का यूज़ करेंगे, लेकिन आप ब्राइट ग्रीन का यूज़ कभी मत कीजिए। आप सबसे पहले एक हल्के ग्रीन को ऑकर येलो में मिक्स करके उसका एक हल्का सा बेस बना लीजिए, ताकि आपको पता चल जाए कि ये कैसा दिख रहा है इस कलर में। वो बेस कंप्लीट होने के बाद आप थोड़ा सा और डार्क ग्रीन और उसको हल्का सा रिच ऑकर येलो और गैम्बोज येलो में मिक्स करके अच्छा सैप ग्रीन टाइप कलर बनाएं, जो कि आप फिर अपने जो टोपी और उनकी वर्दी में यूज़ करता है। ये करने के बाद काफ़ी ब्राइट दिखना चाहिए, कि सैप ग्रीन काफ़ी अच्छा कलर है, दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है। आप जितना येलो का यूज़ समझदारी से करेंगे उतना अच्छा दिखेगा। करने के बाद आपका जो फेस का पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद बहुत ही आसान काम है बाकी लास्ट का, जो कि शोल्डर्स को बनाना। आपको ज़्यादा काम नहीं करना इस पर, और फ्लैग को थोड़ा सा अच्छे से बनाना। जो फ्लैग को लिए है उनके पार्ट को हमें बस ब्लैक से पेंट कर देना है। मैंने अपने पेंटिंग में एक डल ब्राउन कलर से उनका एक बेस लेयर दिया था, लेकिन आप अगर किसी कॉन्टेस्ट में इसे बना रहे हैं, आपके पास टाइम की कमी होगी तो आप उसे मत कीजिए। आप डायरेक्ट ब्लैक कलर से पूरे शोल्डर्स और जो फ्लैग की जो लकड़ी है उसे बना दीजिए। उसके बनाने के बाद आप अपने फ्लैग को थोड़े से डल तो नहीं कहूँगा, थोड़े से डार्क टाइप के ऑरेंज और सैप ग्रीन से पेंट कीजिए। आप कोई भी ब्राइट पोस्टर या एक्रेलिक कलर्स में मत यूज़ कीजिएगा, तो जो एक पूरे ड्राइंग का जो रियलिज्म है, थोड़ा सा रियलिस्टिक, मतलब हाइपर रियलिज्म तो नहीं है, थोड़ा सा रियलिस्टिक दिखना चाहिए ड्राइंग, इसलिए थोड़ा सा डार्क कलर यूज़ कीजिए, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड काफ़ी ब्राइट और वाइब्रेंट है, तो उसके ऊपर कुछ होगा तो काफ़ी डार्क होना चाहिए, तो वो एक अच्छा फील देगा हमारे फ्लैग को। और क्योंकि बैकग्राउंड भी ट्रांसपेरेंटली उससे रिफ्लेक्ट हो रही है हल्की सी, वो ट्रांसलूसेंट है, तो वो दिखने में काफ़ी रियलिस्टिक लगेगी और एक कपड़े का फील देगी। तो इसी तरह से अगर आपका कोई फाइनल माइनर डिटेल्स बच गया है तो आप फाइनल डिटेल्स दे दीजिए, और इसी तरह से हमारा ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगा और सूखने के बाद वो काफ़ी अच्छा दिखेगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा दिख रहा है। इसके बाद आप कि कोई भी कॉम्पिटिशन बहुत ही आसान से कुछ स्टेप्स फॉलो करके ये ड्राइंग अगर आप बनाएंगे तो ज़रूर जीत जाएंगे रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे का कोई भी कॉम्पिटिशन। तो आज का पेंटिंग यहीं पे ख़त्म होता है। ये मेरा पहला ट्यूटोरियल वीडियो था,
तो अगर आपको ये पेंटिंग अच्छी लगी, ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा, तो प्लीज़ कमेंट करके हमें नीचे बताइएगा। और अगर आप इसे किसी कॉम्पिटिशन के लिए ड्रॉ कर रहे हैं और अपने ड्राइंग कंप्लीट कर ली हो, तो मुझे अपने इंस्टाग्राम पेज पे प्लीज़ टैग कीजिएगा अगर आप इसे सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं, तो ताकि मैं आपकी ड्राइंग देख पाऊँ। तो अगर आपको ऐसी ही और अच्छी वीडियोस देखनी है और अगर आपको मेरे चैनल का कंटेंट पसंद है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि आपको और ऐसी ड्राइंग्स मिलती रहे। थैंक यू, बाय बाय।